नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आप कैसे SIS के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं हमारा कियोस्क। पेमेंट के लिए आप इसका पेमेंट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पर कियोस्क है और जो भी हमारे कियोस्क भाई हैं तो उसके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको चलना है RDVB जबलपुर की सर्विसेज पर। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS। इस पर देखिए नीचे लास्ट लिंक में दिया हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर SIS, यहाँ पर क्लिक अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है जो आपको यूनिवर्सिटी से रिसीव हुआ है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही डालना है जिससे आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो सके जो हम बनाने वाले हैं। फटाफट से कैप्चा कोड एंटर करके इसको हम शो पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। आपकी फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है जो आपने एडमिशन टाइप पे दी हुई थी। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक हैंड क्वेश्चन आपको डालना होता है सिक्योरिटी के लिए, ईमेल आईडी डालने के बाद देखिए हिंट में यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बर्थ सिटी डाला हुआ है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उसका आंसर जो जिस प्लेस का आप नाम डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको चूज़ करना है। पासवर्ड में आपका कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स होने चाहिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको और यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं कैप्चर कोड और इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए आपको ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट है। इसका पेमेंट आपको यहाँ पर करना है। डिटेल्स एक बार आप चेक कर लें और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्योंकि हमने कियोस्क लॉगिन किया हो तो यहाँ पर ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। मैंने आपको बताया आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कन्फर्म पेमेंट करने के बाद ये हमारे यहाँ पर प्रोफाइल पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। अब इसको हम प्रिंट करके रख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो नहीं आती है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। फ़ोटो के लिए हमें क्या करना है, देखिए राइट साइड ये तीन डॉट बने हुए हैं, यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट लेंगे। कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है, इसको हम कर लेते हैं सेव या प्रिंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारी यूज़र आईडी होगी, वो हमारा एनरोलमेंट नंबर होगा और पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस पर हम चलते हैं अब RDVB की सर्विसेज पर और एक बार इसको हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो वहीं जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं पर ऊपर देखिए SIS स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए जैसा हमने कियोस्क लॉगिन किया था उसी तरह आपको यहाँ पर स्टूडेंट करना है। यूज़र आईडी में आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसे आप लिख कर रख लें। पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए ये कोविड की डिटेल्स पूछ रहा है, वैक्सीनेशन की डिटेल्स पूछ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ पर करते नहीं हैं, इसको आधा छोड़ देते हैं। ये बहुत ज़रूरी डिटेल्स हैं तो इसको आप, ये पूछ रहा है कि आपका वैक्सीनेशन हो गया, हमने यस किया, कौन सी वैक्सीन आपको लगी हुई है, कौन सा डोज आपको लगा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन की डेट डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। देखिए अब हमारी प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट है, आपकी वैक्सीनेशन की डिटेल्स भी RDVB के पास जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप RDVB की किसी और सर्विस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।